और एक फंडा है लाइफ का, मतलब एक छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। If I'm KFC, no, it's not KFC actually, it's FKC. Every single day in the morning, I just come here and check out the weather. It's good weather. See? This huge tree is very nice, and I like to see in the morning when I come out, when I wake up, I come to see this tree so that I feel good. Yeah. Anyways, I'm getting ready for the day, and today is my evening shift, and I'm gonna take shower. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. Now I am heading to have my breakfast, and actually my roommate is sleeping, so I'll see you in the next shot. अभी हम थोड़ी चाय पी रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अभी चाय पी रहे हैं। आफ्टर स्टार्टिंग माई डे आई स्टार्ट विद वेरी बैड हैबिट ऑफ हैविंग टी, एंड हालांकि मुझे पसंद नहीं है ये चाय वाय ज़्यादा पीना, पर स्टार्ट के सुबह के टाइम पे थोड़ा सही है। अगर इतना सा छोटा सा कप अगर पी भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा कप है ये तो। ये कप छोटा सा है। एनीवेज, तो ये कह रहा था कि वहाँ के उस पेड़ को देख के, उस पेड़ को मतलब सुबह सुबह उस पेड़ को देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड यूजुअली आई वेक अप अर्ली एज possible, and then I sleep again sometimes when I have evening shift. And I just want to share something with you actually. As my roommate, and he wants to share something with you, and we both are having tea jo main bahar se laya, and we are making plans to cook and to make food etc in our kitchen. But abhi 4 mahine se hum plan hi bana rahe hain. He has something to say, Mr. I am so fed up with this person because ये हमारा हेयर ड्रायर है नहीं, पता नहीं ये क्यों यूज कर रहा है। और अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो इसकी तो पक्की लगने वाली है। अरे वो बहुत अच्छे लोग हैं। ओके, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। प्लीज होल्ड द कैमरा, प्लीज होल्ड द कैमरा। ओके, तो आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम है और एक फंडा है लाइफ का, मतलब एक छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उससे आप एक कैसे एक मॉरल लेकर के एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। कि एक बार एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, उसको लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स भी आई, बट वो एक चाहता था कि उसको एक ऐसा फॉर्मूला मिले, उसको एक ऐसा फॉर्मूला मिले जिससे कि वो अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को पार कर जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को। तो उसको वो बताने के लिए उसने बहुत से बड़े जानकारों को, विद्वानों को ढूंढा था। तो उसके राज्य में एक बाबा रहते थे, एक छोटे कुटिया में एक बाबा रहते थे जो काफ़ी जानकार थे। वहाँ विदेश बाहर से लोग आते थे उनसे मिलने। तो उन्होंने उनको अपने महल पर बुलाया और कहा कि बाबा मुझे इस तरह से कुछ बताओ कि जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों से लड़ सकूँ। तो बाबा ने कहा, बच्चा अगर तुम्हें बता तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें वो जो फॉर्मूला है वो यूज़ अभी नहीं करना होगा, वो तब यूज़ करना होगा जब तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे होंगे। तो हुआ यूँ, बाबा ने उसे एक पर्ची दी, छोटी सी एक पर्ची दी, और उस पर्ची में कुछ था, और बाबा ने बोला कि उसको तब यूज़ करना
जब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई तो ठीक हो गया कुछ समय बाद, 6 महीने 1 साल 2 साल बीत गए, राजा के पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, छोटी भी आई बड़ी भी आई, लेकिन राजा ने सोचा कि अभी उतनी बड़ी नहीं है, छोड़ो अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना। तो ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए, 5 साल हो गए, 7 साल, कोई बहुत साल बाद, 5-7-10 साल बाद, तो क्या हुआ, बाबा राजा का एक बार क्षेत्र में आक्रमण हो गया, हमला हो गया, और बाबा राजा भाग रहा था घोड़े से, राजा भाग रहा था और पीछे उसके जो दूसरे अपोनेंट थे, जो उनके उसके सैनिक चल रहे थे। और उसके बाद जब वो बहुत परेशानी में फंस गया, आगे एक पहाड़ी आ गई, और पहाड़ी आने के बाद क्या हुआ, नीचे वो आगे रास्ता नहीं था उसके पास जाने के लिए, तो उसने क्या किया, वो पर्ची खोलने की सोच ली कि अब मैं ये पर्ची खोलूँगा, क्योंकि अब वो स्थिति आ गई है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वो पर्ची उसने खोली रुक करके घोड़े से, क्योंकि आगे सामने खाई थी, जब उसने पर्ची खोली तो उसको बहुत हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि उस पर्ची में बस इतना सा लिखा था उस बाबा ने कि यह वक्त भी बीत जाएगा। तो ठीक उसी तरह वो कुछ पल के लिए सोचता रह गया कि क्या था, और एक पल के लिए वो इसमें डूब गया कि यह भी बीत जाएगा, क्योंकि कोई वक्त रुक नहीं सकता। उसी तरह वो वक्त भी निकल गया, वो उससे रिलैक्स हो गया बिल्कुल, जैसे कई समय पर प्रॉब्लम्स निकली थी उसकी पिछली, तो एक तरह की उसके अंदर आभास पैदा हो गया था कि हाँ यह भी निकल जाएगा। तो कुछ समय बाद उसने सुना कि उसके जो पीछे जो घोड़े दौड़ के आ रहे थे वो जो है उल्टी दूसरी दिशा में चलने की उनकी आवाज़ आ गई और वो चले गए। तो कुल मिलाकर बाबा उसके बाद राजा अपने रास्ते को चला गया। तो मॉरल ये है कि दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम्स है, 1 दिन 2 दिन, जब कोई खुशी नहीं टिक सकती, हम लोग 2 दिन रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं, तो कोई दुख भी नहीं रुक सकता, कोई गम और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रुक सकती। ठीक उसी तरह एक काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है हमारे लिए कि हमारी कोई प्रॉब्लम रुक नहीं सकती। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक्चुअली संजय जोशी का जो हिंदी बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, ही स्पीक्स अ लॉट ऑफ हिंदी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ ये भाई साहब, ये है, ये हमारे पता नहीं यार क्यों छेड़ता रहता है इनकी चीज़ों के साथ, ये एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स रहते हैं साइड में, छोड़। ओके सो गाइज, आपको इनकी हकीमाना बातें और क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है किसी को ये वीडियो सुननी देखनी चाहिए। और बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।